हेलो फ्रेंड्स, एसएसएम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक लड़की ने एक महीने केवल पढ़कर पाए 87 मार्क्स अपने 10वीं स्टैंडर्ड में। जी हाँ दोस्तों, जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको इसकी जानकारी तुरंत मिल जाए और आप अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट कर सकें। तो जी हाँ फ्रेंड्स, 10वीं की एक छात्रा ने केवल एक महीने मात्र पढ़कर 87% मार्क्स पाए हैं अपनी 10वीं स्टैंडर्ड में यूपी बोर्ड में। तो अब उसके मैं शेड्यूल के बारे में बताता हूँ। मैंने जब उसके शेड्यूल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह केवल 1 से 2 घंटे पढ़ती थी डेली, या बताती थी हफ्ते में कुल मिलाकर उसे 8 से 9 घंटे पढ़ती थी, एक हफ्ता में 8 से 9 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। और जब कभी कभी तो हफ्ते में 5 ही घंटे वो पढ़ती थी, 4 ही घंटे, इस तरह से भी उसने बताया बात। तो और उसने ये भी बताया कि वो केवल एग्जाम के एक महीने उसने बहुत ही तेजी से पढ़े थे, और उसमें एक महीने में उसने अपना बहुत विचित्र सा शेड्यूल बताया। उसने बताया अपने डाइट का जो शेड्यूल थोड़ा उसके अजीब था। उसने बताया कि मैं वो ज़्यादा चावल नहीं खाती थी, क्योंकि वो चावल में थोड़ा सा अल्कोहल की मात्रा होती है, इस वजह से नींद आती है, तो उससे वजह से बचने के लिए उसने चावल खाना छोड़ा था। और वो हल्के डाइट लेती थी, फ्रूट्स ज़्यादा लेती थी, और इसके साथ साथ वह एक दिन तो खाती थी लेकिन दूसरे दिन नहीं खाती थी। ये उसका थोड़ा सा अजीब सा फंडा था। अब ये उसका शेड्यूल था, हर आदमी का अलग अलग शेड्यूल होता है पढ़ने का, तो लेकिन उसने यही शेड्यूल अडॉप्ट किया था। एक दिन खाना खाती थी और दूसरे दिन नहीं खाती थी। तो दूसरे दिन वो केवल जैसे कि चाय ले लिया, या थोड़ा सा कोई जूस ले लिया, जैसे एप्पल जूस या ऑरेंज जूस, बस यही, कोई अन्न नहीं लेना था, तो यही उसका प्रोसीजर था। तो एक दिन खाना था, तो मतलब अब एक आदमी जो है और जैसे कि कुछ खाए ही नहीं, केवल जूस पीकर दूसरे दिन रहे, तो इसका मतलब ही समझ में आया कि जूस अब क्या शरीर में जनाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि वही इसका प्रोसीजर था। तो इस प्रोसीजर की वजह से उसने एक महीने में भरपूर मेहनत की है। उसने करीब एक दिन में वो करीब 12 से 13 घंटे पढ़ती थी। और उसने जब बताया कि इससे फ़ायदा क्या, उससे समझ में आया। मैंने जब पूछा उस कि इससे फ़ायदा क्या था, तो उसने बताया कि देखिए कि इससे फायदा यह होता था कि माइंड ज़्यादा भारी नहीं होता था, उसका जो ब्रेक पढ़ने का जो सीक्वेंस जो हम लोग पढ़ते थे तो वो टूटता नहीं था। एक दिन खाने के बाद दूसरे दिन मैं इस तरह से जो थोड़ा जूस वूस ले लेती थी, तो उससे क्या होता था कि माइंड का जो सीक्वेंस था वो बना रहता था। यही मुझे रिलाइज हुआ। तो ये चीज़ थोड़ा बड़ा कोर पॉइंट है। अब इस चीज़ को भाई तो केवल सुनकर तो नहीं समझा जा सकता है। दुनिया में बहुत सारे नॉलेज की चीज़ें हैं जिसे केवल आप कानों से सुन लें, समझ लें, और ऐसा भी नहीं होता है, कुछ चीज़ों को तो रियलाइज करना ही पड़ता है। तो ये था जो उसका प्रॉपर शेड्यूल जो हमने आपको बताया। तो थोड़ा अजीब सा है लेकिन अब सक्सेसफुल है तो बस है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब आगे आने वाले वीडियो में आपको और ज़्यादा कुछ अच्छे वीडियो मिलेंगे देखने के लिए। तो इस वीडियो